हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक क्वेरी है जिसको लिखना है। और देखिए यहाँ पर ये टेबल आपको दिख रही होगी, ये स्टूडेंट नाम की टेबल है और इस टेबल के अंदर जो क्वेरी हमें लिखनी है वो क्वेरी क्या है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए जो क्वेरी हमें लिखनी है ना वो क्वेरी कुछ इस टाइप की है कि हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रेड सी है, ये इस तरीके से मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए ये ग्रेड बी है, यहाँ पे ए है, तो हम ओवरऑल जो है बी ग्रेड वालों को देखेंगे। जैसे बी ग्रेड तो यहाँ आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है, तो जो जो बी ग्रेड वाला है केवल उसी के नेम हमें चाहिए। तो ऐसी क्वेरी कैसे हम लेके आएंगे उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कि ये क्वेरी कैसे लगा सकते हैं, और इस तरह की क्वेरीज पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक है। इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में देखेंगे, एसक्यूएल व्यू में जाके कैसे कैसे क्या होगा, चलिए ये प्रोसेस देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्रिएट पे जाना, ये क्रिएट आपको दिख रहा होगा, जाकर के और क्वेरी डिजाइन पे चले चलिएगा। जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेरी डिजाइन में क्वेरी 3 मिलेगा, आप यहाँ पर एसक्यूएल दिखाई देगा। कभी कभी आप 2007 यूज करेंगे तो यहाँ पे एसक्यूएल 9 भी दिखाई देता हो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे ना तो एसक्यूएल नजर आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ नजर आएगा, हमें सेलेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा होता तो हम लिख लेते, ठीक है। तो हमें ग्रेड बी वालों का इसमें निकालना है। एक बार हम ये स्टूडेंट वाली टेबल देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम में लिखा है नेम, तो हमें क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट का नेम ही चाहिए। उन स्टूडेंट्स के नेम बताइए जिनके ग्रेड सी आए हुए हैं या ग्रेड बी आए हुए हैं, सॉरी ग्रेड बी आया हुआ है, उनका नाम बताइए। तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट लिखेंगे और फिर यहां लिख देंगे NAME नेम, ठीक है। और नेम लिख करके और यहां कर देंगे फ्रॉम, और जो भी टेबल का नाम है, ये रिकॉर्ड कहां से फेच होगा उसको देखिए, यहां पर जो रिकॉर्ड फेच होगा ना वो आएगा स्टूडेंट नाम की टेबल से, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जिनके ग्रेड, तो यहां पर लिखा वेयर ग्रेड GREADE। अब देखिए इस टेबल के अंदर जब आप जाते हैं तो यहां है एक ग्रेड 1 और यहां एक है ग्रेड 2, यानी दोनों आपको दिख रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में कोई भी अगर बी ग्रेड पाया हो तो वो जो है हमें डिस्प्ले हो जाए। तो ग्रेड 1 इज इक्वल टू यहां पे कर देते हैं बी, ठीक है। और यहां पे और लगाएंगे OR, ठीक है, और एक ऑपरेटर है। और यहां पे लिखेंगे ग्रेड 2 इज इक्वल टू, फिर यहां पे लिखेंगे बी, तो दोनों लिख दिया हमने। और लिख करके यहां से टर्मिनेशन दे, टर्मिनेशन का मतलब समझ रहे हैं, टर्मिनेशन का मतलब है ये, यहां पर ये जो सेमी कॉलन लगा है इसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पुराने वाले टेबल को यानी जो टेबल बनी हुई थी स्टूडेंट उसको क्लोज कर देना है और तब इस क्वेरी को रन कराना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यही तरीका है रन कराने का, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेरी डिजाइन पे जाना है और यहां से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखिए दो ही स्टूडेंट के नाम आए हैं, एक समीर है दूसरा कमाल है, तो इन्हीं दोनों के बी ग्रेड हैं। अब हैं कि नहीं है ये तो क्लियर करना पड़ेगा, क्या पता क्वेरी गलत बता रही हो, लेकिन क्वेरी गलत नहीं बताती है, ये क्वेरी बिल्कुल सही है। और यहां पर जैसे ही आप आते हैं ना, ये देखिए यहां पर देखिए दो स्टूडेंट के नेम हमें इस क्वेरी में मिले हैं, एक समीर है दूसरा कमाल है, तो दोनों को चेक करते हैं। तो देखिए समीर, ये वाला समीर है और समीर का देखिए इसमें ग्रेड 1 में बी ग्रेड है लेकिन ग्रेड 2 में ए ग्रेड है, लेकिन दोनों में से किसी एक में बी ग्रेड मिल गया तो वो हमें बता रहा है कि समीर का बी ग्रेड आया हुआ है। क्या सुजीत का भी बी ग्रेड है, तो यहाँ देखिए ग्रेड में आते हैं तो देखिए यहाँ पे ग्रेड ए है, यहाँ पे सी है। कमाल का देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यानी दोनों में बी है, तो कमाल का तो बी आया हुआ है, क्या पता वीना का आया हो, तो वीना का ग्रेड सी है, ए है, वीना का तो नहीं है। फिर यहाँ पर अर्चना का देखते हैं तो अर्चना का ग्रेड ए है और यहाँ पर ग्रेड ए है। फिर यहाँ पर देखिए अर्पित का, तो इसमें ए है और इसमें सी है, बी ग्रेड इन लोगों के नहीं आए हुए, बी ग्रेड तो केवल दो ही के आए हुए हैं, जिसकी की क्वेरी आपको दिख रही है बहुत ही अस्पष्ट रूप से। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है।